हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का व्लॉग मैंने दोपहर के टाइम से शुरू किया है। लंच बनाने का टाइम हो रहा है और मैं नहाई हूँ। इससे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो आने के बाद फिर मैंने सर भी धोया है और नहाई हूँ, ये तो करना ही पड़ता है। वैसे तो मेरा नाना सुबह में हो ही गया था, लेकिन बाहर गई थी, फिर मैं आकर एक बार और नहा ली हूँ। और अब मैं उसके बाद किचन में जाने वाली थी, लेकिन यहाँ आ गए थे मेरे कस्टमर। बाल भी नहीं सूखे थे मेरे, तो यहाँ हालत थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि एकदम से कस्टमर आ गए और तभी बस मैंने बाल खोले ही थे, और बस यहाँ फिर इतना सारा फैल गया है ये, तो ये सब मैं समेट रही हूँ। उसके बाद चलूँगी मैं किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो जो भटूरे का आटा होता है वो मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, पहले ही लगा के रख दिया था करीब 3-4 घंटे पहले। ज़्यादा ही हो गया है, अब जो दुकान में आई हूँ मैं उसकी वजह से लेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बनाया था भटूरे का आटा। पहले मैंने 3 पाव के करीब ये मैदा लिया है और उसमें 1 चम्मच डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है। और टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें नमक डाला है। और 1 कटोरी डाली है इसमें दही और 2 चम्मच डाल लिया है रिफाइंड ऑयल। और बस पहले मैंने दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, जो नमक बेकिंग पाउडर जो भी था, तो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लूँगी, डो तैयार कर लूँगी। और पानी मैंने गुनगुना लिया है, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, तो बस नॉर्मल सा, मतलब हल्का सा गुनगुना मैंने पानी कर लिया है, क्योंकि दही ठंडी थी तो फिर बहुत ठंडा सा हो जाता। और भटूरे का आटा अगर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी से तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, मतलब फैमिली के हिसाब से, तो मैंने 3 पाव मैदा लिया है, तो इस हिसाब से मैंने इसमें 1 कटोरी दही डाली है। आप कम लेंगे तो कम डाल लीजिएगा। और बस आटा तैयार हो गया है, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। चाहे तो आप गीले कपड़े से ढक सकते हैं या फिर आप इस तरह से जिस तरह मैंने कवर किया है बर्तन से कर सकते हैं। और बस इसको मैं रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए कहीं गर्म सी जगह, जहाँ जो टेम्परेचर है थोड़ा सा गर्म सा हो। और आप चाहो तो इसको हल्की सी धूप में भी 1-2 घंटा के लिए रख सकते हो, उससे जो भटूरे हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मैदा तो मैंने पहले ही बना के रख दिया था और यहाँ छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, जैसे कि हमेशा करती हूँ। और फिर इसमें डाल दिए हैं खड़े मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी और एक बड़ी इलायची डाली है जिसको थोड़ा सा खोल लिया है, लौंग, हींग और जीरा। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और हल्का सा इनको होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और छोले पेस्ट में ही मैं ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ, मतलब जो प्याज का पेस्ट ही बनाती हूँ। इस तरह का जो कटी हुई प्याज होती है उसे मैं कम छोंकती हूँ इस तरह से। राजमा, छोला, राजमा तो हम बारीक चॉप भी कर ले तब भी अच्छा बनता है, लेकिन जो छोले की ग्रेवी है वो अच्छी गाढ़ी हो जाती है, थिक सी हो जाती है इससे, और टेस्ट भी अलग आता है। कटी हुई में अलग आता है और पेस्ट में अलग आता है। और 1 चम्मच के करीब डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन सबको मैं अच्छे से यहाँ भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, कलर भी चेंज हो गया है, तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब इनको भी अच्छे से कर लूँगी मिक्स। फिर इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं तो अदरक टमाटर के साथ पीस लेते हैं, लेकिन अब मैं दोनों डाल रही हूँ, तो इसलिए ये खाली हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है। और बस मसाले के हिसाब से डाल दूँगी नमक, क्योंकि छोले में बॉयल के टाइम नमक डाल दिया था, तो बस हल्का सा नमक डाल दिया है और इसको ढक दिया है मसाला पकने के लिए। और जब तक मैं यहाँ बीच में मसाला हमारा भून रहा है, टमाटर पक रहे हैं, कर लूँगी रायता तैयार, क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी, शॉप में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और दही ली है, ये घर की दही है जो मैंने कल जमाई थी, और इसमें डाल दिया है चाट मसाला, नमक, बूंदी, बूंदी सूखी डाल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम लगेगा खाना बनने में, तब तक जो बूंदी है वो दही में ही फूल जाएगी। चाट मसाला डाला है, हल्का सा गर्म मसाला डाला है और नमक
और लाल मिर्च, बस थोड़ा सा यही मैंने डाला है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो रायता हमारा तैयार हो गया है बूंदी वाला, इसको फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, टमाटर पक गए हैं। और यहाँ ग्रेवी भी मेरी, मतलब जो टमाटर का पेस्ट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि छोले मेरे ज़्यादा हैं और लेट खाना बनना है। वैसे तो मैंने कल छोले भिगाए थे, रात में भिगा दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े ज़्यादा भिगाए थे क्योंकि मैं ज़्यादा बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे गरम मसाला डाला है 1 चम्मच से कम, आधे से ज़्यादा डाला है, और 1 चम्मच भर के, 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है मैंने छोले मसाला। तो बस इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मसाला आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा भुन गया है, कलर कितना अच्छा आया है, और छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो छोले आज मेरे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और बनाए भी मैंने ज़्यादा ही थे क्योंकि अब मैं भटूरे बनाने वाली हूँ और रात में फिर मैं चावल बना दूंगी, तो छोले काम आ जाएंगे क्योंकि अब लेट खाना बन रहा है तो शाम को इतना तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बासी हो जाएंगे, और छोले तो चलते हैं इस तरह से। तो यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहे हैं छोले, तो मैं इनको थोड़ा सा निकाल लूँगी इसमें से, देखिए इस तरह से निकाल लूँगी, और इनको मैं शाम को पका लूँगी या तो फिर अभी पका दूँगी दूसरी जगह, मतलब इंडक्शन पे रख दूँगी, तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। वो पक तो ये इसमें भी जाते हैं लेकिन मुझे लेट हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए मैंने थोड़े से निकाल दिए हैं। तो छोले हमारे बन जाएंगे, तब तक मैं अपना मैदा सही कर लेती हूँ। और मैदा आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैदा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, फूला फूला बहुत ही अच्छे से मैदा फूल गया है क्योंकि काफ़ी इसको टाइम मिला है। और मैंने आधा घंटा के लिए मैदा को धूप में रख दिया था। और थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही टाइट है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है क्योंकि चिपक सी रहा था इस तरह सूखे हाथ में, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा और इसको मसल लूँगी अच्छे से यहाँ पे। लेकिन आज जो भटूरे का आटा है बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, या तो इसको काफ़ी टाइम मिला है इसलिए, या फिर दही की क्वांटिटी भी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी और कोई इनो वगैरह नहीं डाला था। इनो तब डालते हैं अगर हम बेकिंग पाउडर और दही नहीं डालते हैं, तो फिर इनो से काम चल जाता है, लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे आज बने थे इस आटे से। तो आटा आप इसी तरह से तैयार करके देखिएगा, अगर आप भटूरे बनाएंगे फिर मेरे साथ शेयर करिए, बताइएगा मुझे कि आपके भटूरे कैसे बने। तो यहाँ देखिए थोड़े छोले कर दिए थे मैंने इसमें, तो थोड़ा जल्दी पक गए हैं, छोले भी हमारे तैयार हो गए हैं। और भटूरे बनाने वाली हूँ तो वो नहीं कि छोले थोड़े पतले चलेंगे, तो थोड़े थिक से ही मैंने छोले बनाए हैं। तो छोले बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी सी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ कढ़ाई रख दी है, ऑयल गरम हो गया है, और देखिए इतना आटा लिया है मैंने, मतलब जो मैदे की लोई ली है वो बहुत बड़ी नहीं ली है और बहुत छोटी भी नहीं ली है, तो मीडियम यहाँ मैं भटूरे बनाने वाली हूँ, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। तो देखिए इस तरह से मैंने लोई ली है और फिर इसको मैं बेल लूँगी। और कैमरा अच्छे से यहाँ आ नहीं रहा था, मतलब पूरी जगह कवर नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा बेलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखा सकी। तो देखिए इस तरह से मैंने भटूरा उठाया और इसमें डाल दिया, और भटूरा जो है थोड़ा सा बड़ा बेलना चाहिए क्योंकि जो मैदा है उठाने के बाद वो हल्का सा श्रिंक हो जाता है, और आज इतना नहीं हुआ, कभी कभी ज़्यादा होता है। वो आटा जो मतलब मैदा हम जल्दी बनाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो ज़्यादा श्रिंक होता है, तो आज बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हो रहा है। जैसे मैं भटूरे बेल रही हूँ, और पतले ही बेल रही हूँ, मोटे भटूरे मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप देख सकते हैं सारे भटूरे शुरू का ही मैंने डाला है और कितना अच्छा भटूरा फूल के तैयार हुआ है, ये दूसरा भी इतना अच्छा बन गया है। तो आज तो शुरू से ही इतने अच्छे भटूरे बनने शुरू हुए हैं, और एक एक भटूरा फूला था, एक भी ऐसा नहीं है जो भटूरा ना फूला हो। और जब हम भटूरे बनाते हैं तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखना पड़ता है, उससे भटूरे जल्दी फूलते हैं, अच्छे सिकते हैं। ठंडी कढ़ाई में अगर हम भटूरे डाल देते हैं तो वो अच्छे से नहीं फूलते और फिर मोटे मोटे से दिखने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक मैं बेलती जा रही हूँ और एक एक को ही सेकती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है भटूरे पूरी की तरह हम छोड़ दें तो फूलते नहीं हैं, इनके ऊपर हमें कड़छी से हल्का दबाना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, तो तब जाके भटूरे अच्छे बनते हैं। तो बस ये है, या तो इसमें 2 लोग होने चाहिए, एक उतारने के लिए और एक बेलने के लिए, लेकिन मैं अकेले ही कर रही हूँ तो एक एक ही मैं बेल रही हूँ और एक एक ही निकाल रही हूँ सेक के। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, बताइएगा ज़रूर।
और आज हमारी जो है ये रेडीमेड लगा लीजिए, आज तो घर की नहीं लग रही है, थाली लग के तैयार हो गई है लंच की। गर्मा गर्म फूले फूले नरम नरम भटूरे, बूंदी का रायता और छोले और सैलड। तो आइए आप लोग भी ये टेस्टी सा लंच कर लीजिए और बताइए कि कैसा बना है। तो साथ साथ मैं सबको देती जा रही हूँ और पापा को, इनको सबको दे दिया है क्योंकि भटूरे इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, तो सबको ही दे दिया है करीब करीब, और मैं साथ साथ सेकती जा रही हूँ। और पापा जी को बच्चे दे देते हैं क्योंकि मैं दुपट्टा नहीं ले रही हूँ, तो बच्चों ने दे दिया है। पापा अपने रूम में ही खा रहे हैं और ज़्यादातर पापा अपने रूम में ही खाना खाते हैं पहले से ही, चाहे हम किसी भी घर में रहे हों तो वो अपने रूम में ही खाते हैं। और बस इनको दे दिया है तो सब साथ साथ खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अब भी मेरे भटूरे सारे फूलते जा रहे हैं एक एक करके, और बस थोड़ा सा बेलती हूँ और फिर उसको मैं दोनों हाथों से उठा लेती हूँ। भटूरा पतले पतले बेल रही हूँ, तो भटूरे को आप पतला ही बेलें, मोटा ना बेलें, नहीं तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा और मोटा और ज़्यादा हो जाएगा। तो खाना वाना हो गया है, उसके बाद मैंने साथ साथ ही बर्तन भी कर दिए हैं और बाल खोलने का टाइम नहीं लगा था अब तक। तो मैंने खाना बनाने के बाद जब मैं खाना खाने बैठी तब जाके बाल खोले हैं। तो आज इतना मतलब बिजी हो गई, एकदम कस्टमर आ गए फिर एकदम खाने में लग गई क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। और पापा हैं तो अच्छा नहीं लगता, टाइम से खाना बनाना पड़ता है। वैसे तो मेरे यहाँ लंच कम ही बनता है लेकिन आज ये घर पे थे तो इसलिए कुछ अच्छा खाने का मन था, अच्छा बनाने का मन था, तो इसलिए मैंने आज लंच बनाया है। कम बनता है, सुबह में बनता है, लेकिन सुबह में इस तरह से अगर ऑफिस जाते हैं लंच लेके तो भटूरे वगैरह नहीं बनते हैं, अच्छे नहीं लगते ठंडे, तो इसलिए आज मैंने सारा लंच में ही किया है। लेट काफ़ी हो गया है, बस ऐसा ही शाम का बहुत हल्का रहने वाला है क्योंकि छोले बहुत सारे बचे रखे हैं और फिर मैं चावल बना लूँगी। हाँ जी, तो खाना वाना हो गया है, बर्तन क्लीन सारा काम हो गया है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाली थी लेकिन फिर सोचा चलिए पहले थोड़ी सी देर आपसे मिल लेती हूँ, 2 मिनट बातें कर लेती हूँ और फिर आराम कर लेंगे, रेस्ट बाद में हो जाएगा क्योंकि फिर लेट जाऊँगी, फिर उठूँगी तो चाय का टाइम तब तक हो जाएगा तो मिलना नहीं हो पाएगा, 2 मिनट आपसे नहीं मिलूँगी, ऐसे ही वीडियो निकल जाएगी। वैसे ही आज मैंने लेट शुरू किया था, और लेट क्या शुरू किया, फिर जैसे ही वीडियो शुरू किया और नहाई और तभी मैं किचन में आने वाली थी खाने की तैयारी करने के लिए, तो तभी मेरे कस्टमर आ गए थे और फिर इतना लेट आज मेरा खाना बना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कभी कभी ऐसा, करीब 3 बजे तक ही हमारा खाना पीना आज हो पाया है, इतना लेट हो गया था, बर्तन वगैरह 3 बज गए थे। तो ये सब हो गया है और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़रूरी है, और इस बात को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, इतने दिनों से इंतज़ार किया था जिसका वो आज हो ही गया, कितने महीने हो गए हैं इंतज़ार करते करते, आजकल लेकिन सब ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, और वो क्या हुआ है, खुश किस लिए हूँ मैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब से पिन आ गया है और इतने महीनों के बाद आया है, 4-5 महीने हो गए हैं पिन को अप्लाई किए हुए, और बार बार बीच में कर रहे थे, यूट्यूब पर चैट हो रही थी और बार बार फिर कर देते थे, तो जाके लॉकडाउन में अब जाके मेरा पिन आया है, और कल ही मेरा पिन आया है, पोस्टमैन घर पे ही देखे गया है, कोई अड़चन नहीं आई, मतलब कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं पहले क्यों नहीं आ पाया, आया है पिन, पहले भी आया था, बताया है पोस्टमैन ने कि आया था लेकिन एड्रेस सही नहीं था उस पर, और एड्रेस वही है हमने पहले से दिया हुआ है लेकिन इस बार आ गया, पहले नहीं आया था, उन्होंने बोल दिया था कि हमने वापस भेज दिया था, तो इस वजह से मेरा पिन लेट हुआ है, नहीं तो पहले ही आ जाता। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतना मतलब इतने महीनों से अटका हुआ काम आखिर आज पूरा हो ही गया, लेकिन ये पिन आ गया है, ये बहुत बड़ी मतलब मुश्किल हो रही थी, बहुत बड़ा काम हो रहा था, ये इतना सा एक नंबर और मतलब इतना मुश्किल हो रहा था आना, तो इससे हाँ लग रहा है कि हाँ अब मैं मतलब मेरा जो YouTube का चैनल है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है,
इससे मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब सा लग रहा था कि सबके आते हैं, सभी बोलते थे कि 15 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में इस तरह से आ जाता है, 1 महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन हमने इतनी बार अप्लाई किया, 3 बार किया, तीनों बार फेल, और इस बार जाके आया है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। हालांकि आज थोड़ा सा लेट बनेगी चाय, क्योंकि देर से खाना खाया है तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर आगे। अब हमारा हो गया है चाय का टाइम, और चाय बनाई है बच्चों ने, श्रेय ने चाय बनाई है। अंश लेके आया है कि आज पापा के लिए चाय हम बनाते हैं। तो चाय बनानी बच्चों ने अच्छे से सीख ली है, श्रेय ने तो पहले से ही सीख के रखी है। करीब 2 साल के करीब हो गए हैं श्रेय ने चाय सीख ली थी, और अब थोड़ा थोड़ा अंश भी करने लगा है। तो ये फ़ायदा हो रहा है कि हम बैठे रहते हैं और बच्चे चाय बना के दे देते हैं, मुझे अकेले को भी दे देते हैं कभी कभी। ये तो खैर आज ही घर पे हैं, 2 अक्टूबर है आज, तो 2 अक्टूबर की वजह से इनकी छुट्टी है, इस वजह से घर पे हैं, नहीं तो ये घर पे कहाँ रुकने वाले हैं, एक दिन भी घर पे नहीं रहते हैं। और बस अब हम यहाँ चाय और बिस्किट एंजॉय करते हैं। यहीं लेट के उठ के यहीं पे बैठ गई थी, तो बच्चों ने ही कर लिया है, जब से मैं उठी नहीं हूँ तब से बर्तन वगैरह किए थे, तो तब से मैं रेस्ट पे ही हूँ, और ये भी रेस्ट कर रहे थे। तो बस यही थी आज की वीडियो, अब कर लेते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।